उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने एक एक्सक्लूसिव बातचीत में राज्य में अवस्थापना विकास पर सरकार की फोकस की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में मुजफ्फरनगर देवबंद रेल मार्ग की दिशा में सरकार काम कर रही है। वहीं उन्होंने चारधाम रेल मार्ग के सामरिक दृष्टि से विस्तार की भी बात कही है। क्या आप पाते हैं, क्योंकि केंद्र में आप लोगों की बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी आप लोगों की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, किस तरह से आपने 100 दिनों में खाका खींचा, चीजों को समझा कि अब 5 साल विकास इस तरह से चलेगा? हमने जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उन पर हमने 3 महीनों में फोकस किया है और उसकी भविष्य की रूपरेखा हमने बनाई है। जैसे मुजफ्फरनगर देवबंद रुड़की रेलवे मार्ग, ये अभी तक वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, हमने उसका निर्णय लिया है। आज अगर हम उसको देहरादून के परिप्रेक्ष्य में उसको आंकें तो हम जितना समय हमको देहरादून से दिल्ली अगर हम एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट का ठहराव दिल्ली एयरपोर्ट और वहाँ से बाहर निकलना पूरा अगर हम समय लगाएं तो लगभग 3.5 घंटा दिल्ली पहुँचने में लगता है बाई एयर भी। आज 3.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून हमारी ट्रेन हमको पहुँचा देगी। और अगर हम उसको सामरिक दृष्टि से उसका महत्व देखें, क्योंकि भारत सरकार ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ और इधर कर्णप्रयाग टू सोनप्रयाग रेलवे लाइन का काम चालू किया है। अगर हम देखें तो आज हमारी सेनाओं को अगर सीमा तक मार्च करना पड़ा किसी कारणवश सामरिक दृष्टि से तो 6 घंटे की बचत हमारे सैनिकों को वहाँ पहुँचने में होगी। आज बिल्कुल लेटेस्ट सर्वे तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन कुछ पुराने सर्वे कहते हैं कि भारत का सबसे अगर हैवी ट्रैफिक किसी रोड पर है तो दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर है। हमने हरिद्वार नेपाली फार्म देहरादून, हरिद्वार नेपाली फार्म ऋषिकेश, इसके लिए मेट्रो रेल का निर्णय लिया है। और केवल निर्णय नहीं लिया, हमने उसके लिए एक डायरेक्टर भी पूर्णकालिक नियुक्त कर दिए हैं जिनको हम चीफ सेक्रेटरी लेवल का हम उनको वेतन देंगे और अब ये काम हमारा लाइन पर आ गया है। इसी तरह से ऑल वेदर रोड का है, ये काम हमारा चालू हुआ है। इसी तरह से पानी के लिए इस बार, इस वर्ष हमने जो हमारा नियमित जो बजट रहता है उसमें लगभग 17-18% की बचत तो बढ़ोतरी तो जो की है वो की है, लेकिन उसके अलावा हम 250 से 300 करोड़ रुपया इस बार नई जो पानी के लिए जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उस पर हम बड़े बड़े डैम जिसमें करोड़ों लीटर पानी इकट्ठा, बरसात का पानी इकट्ठा किया जा सके, ऐसे अनेक वाटर बॉडीज़ हम उत्तराखंड में डेवलप करने वाले हैं। इसी तरह से हमने निर्णय लिया है कि हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, अभी जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं ये सब इंग्लिश पीरियड के डेवलप्ड हैं। हमने निर्णय लिया है कि हम 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन, ये नए डेस्टिनेशन हम उत्तराखंड में बनाएंगे। इसी तरह से शिक्षा के लिए जो निफ्ट है, निफ्ट हमारा स्वीकार हो गया है, वो बहुत जल्दी हमारा शुरू हो जाएगा। इसी तरह सिप्पी है जो भारत में जो बहुत ही कम एक इस तरह के संस्थान हैं और आईआईटी लेवल के एनआईटी लेवल का ये संस्थान होगा और जिसके लिए डोईवाला में इस वर्ष से हमारी क्लासेज जो हमारी प्रारंभ हो जाएंगी। इसी तरह से हॉस्पिटैलिटी यूनिवर्सिटी, इसी तरह से देहरादून में जो आईटी पार्क था पिछली सरकार ने उसको प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया, हमने अब आईटी पार्क बनाने का हमने निर्णय लिया है। इसी तरह से एक संस्कृति ग्राम बनाने का निर्णय हमने लिया है ताकि कोई अगर राजधानी में आता है वो पूरा उत्तराखंड घूमने का उसके पास समय नहीं है और जानना चाहता है उत्तराखंड को, तो हम एक देहरादून के आसपास पूरे उत्तराखंड की झांकी उसमें देखने को मिलेगी। इसी तरह से जो हमारा जो आय का 2 सोर्स हमारे यहाँ मुख्य सोर्स हैं, एक हमारा खनन और दूसरा हमारा है आबकारी। आबकारी पर हमने थोड़ा नियंत्रण किया है कि दुकानें हमने कम की हैं और हमने उसको प्रोत्साहन करने की नीति नहीं बनाई, यद्यपि हमने बंद हम नहीं करने जा रहे हैं। मैं पहले भी डिक्लेयर कर चुका हूं कि शराबबंदी की हमारी कोई मंशा नहीं, महिलाएं तो विरोध कर रही हैं। हाँ, विरोध कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बंद करने से भी जहां पर जिन राज्यों में बंद है वहां की हालत क्या है, ये मैं जानता हूं, उसे दोहरा नुकसान होता है। और इसी तरह से खनन है, खनन में जो मेरा अभी 3 महीने का अनुभव है, मेरे एक जनपद में पूरे साल में 13 करोड़ रुपया खनन से प्राप्त हुआ और हमने 20 दिन में 20 करोड़ वहाँ से प्राप्त कर लिया है। कितनी तरह से ये कहना चाहिए कि राज्य को नोचा खसुटा जा रहा है माफियों के द्वारा, मेरा आशय ये कि अपने भ्रष्टाचार पर जो अंकुश लगना चाहिए। और मेरा ये अनुभव ये कहता है कि अगर विकास में सबसे बड़ी बाधा है
तो भ्रष्टाचार है।